तो बच्चे आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 5। यस बच्चे, पहले 4 पार्ट्स हमने ऑलरेडी फिनिश कर ली हैं, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा कि सेल क्या होता है। साथ ही साथ बच्चे हमने पढ़ा कितने टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की बात की थी। उसके बाद बच्चे हमने सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा कि सेल के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में बताया था। साथ ही साथ हमने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को भी पढ़ा था डिटेल में। उसके बाद बच्चे हमने स्टार्ट किया था सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो सेल ऑर्गेनेल्स में हम काफी सारी सेल ऑर्गेनेल्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम पेंडिंग वाली जो बची हुई सेल ऑर्गेनेल्स है उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखें बच्चे साथ में नोट्स जरूर बनाइए, सो दैट जो भी आपको मैं करवाऊँ आपको अच्छे से समझ आए, साथ ही साथ आपके नोट्स भी अच्छे से बन जाए। बिकॉज बच्चे जितना भी मैं आपको मैटर करवा रही हूँ, जितना भी मैं आपको कंटेंट करवा रही हूँ, साथ ही साथ जितना भी मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, वो मोर देन सफिशियंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी में सब कुछ यही गिवन है, ठीक है। इवन मैं आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट आपका कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है बच्चे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उसको शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट आपके फ्रेंड्स तक भी वो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स, बच्चे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स की बात करूं तो उनकी एक खास बात है दैट दे आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल। पहले हमने जो सेल ऑर्गेनेल्स करी जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, साथ ही साथ हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा था, तो वो बच्चे जो सेल ऑर्गेनेल्स थी वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलती थी। लेकिन अगर मैं बात करूं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स की तो ये सिर्फ एनिमल सेल में मिलती है, ठीक है। इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन बट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल्स। अब बच्चे बात करूं सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स की तो इनके आउटसाइड भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा कि उनके आउटसाइड पे एक बाउंड्री होती है जिसे हमने नाम दिया था मेम्ब्रेन। तो सेंट्रोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये किससे बने होते बच्चे, ये सेंट्रियोल्स से बने होते हैं। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स आर होलो सिलैंड्रिकल स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल्स बच्चे क्या है, होलो, होलो मींस अंदर से खाली, जैसे आपने पाइप देखा होगा बच्चे, देखो पाइप की बात करो तो क्या है, जैसे इसकी बात करो ये भी अंदर से खाली है, तो होलो का मतलब होता है अंदर से खाली। तो सेंट्रियोल्स क्या है, होलो, जैसे पाइप होता है ना वैसे ही होलो सिलैंड्रिकल स्ट्रक्चर। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे क्या है, ये होलो बिल्कुल अंदर से खाली सिलैंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है जिनका नाम है सेंट्रियोल्स, अरेंज्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। बच्चे अब ये लाइन थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है आपको, बट बहुत इजी है इसको समझना। माइक्रोट्यूब्यूल्स बच्चे एक प्रोटीन का नाम है, क्या है ये प्रोटीन, जो ट्यूब की शेप में होते हैं। वो कैसे होते हैं, ट्यूब की शेप में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ अरेन्ज है, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स आर होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल्स क्या है, होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। किस चीज से बने हुए हैं ये, माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जिनकी शेप कैसी होती है, ट्यूब जैसी। तो आपको सेंट्रियोसोम या फिर सेंट्रियोल्स का मतलब समझ आ गया होगा बच्चे। आप यहाँ पर उनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, देखिए ये क्या होता है, ऐसा सा सिलेंडर बना होता है, देखो जैसे सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और यहाँ पे सारी जगह सिलेंडर के आउटसाइड पे क्या है, पतले पतले माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे होते हैं। कैन यू सी, आपको यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं बच्चे। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बना रहे हैं, ये इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है। बीच में बच्चे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कनेक्टिंग फाइबर्स। कनेक्टिंग फाइबर्स क्या कर रही है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को आपस में जोड़ रही है, एक माइक्रोट्यूब्यूल को दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जोड़ रही है। किस कौन जोड़ रही है, कनेक्टिंग फाइबर्स। अब अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स की, तो सेंट्रियोल्स हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड आल्सो फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। अब बच्चे सेंट्रियोल्स हेल्प किस चीज में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन मतलब, सेल डिवीजन बच्चे यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स किस चीज में हेल्प करते हैं, एक सेल से और सेल्स बनाने में, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। साथ ही साथ सेंट्रियोल्स की बात करूं तो सेंट्रियोल्स आल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। अब बच्चे सीलिया एंड फ्लैजेला माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वर्ड आता है, जहां पे मैं बात करूं, अगर आपने पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कहीं देखा होगा तो बच्चे पैरामीशियम जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो सर्फेस है उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, बारीक बारीक पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, विच आर कॉल्ड एज सीलिया। इसका क्या नाम है, सीलिया। सिमिलरली ऐसे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे जिनके
नीचे क्या होते हैं, टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, क्या होता है टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है फ्लेजेला। अगर यहाँ पे इसकी टेल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे हो तो उसका नाम होगा फ्लेजेला। तो जो सेंट्रियोल्स हैं वो क्या करते हैं, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लेजेला। बच्चे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एज इट इज लेस इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट इसको आपको पता होना चाहिए इसके बारे में क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। बट मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आपको मैंने बता दिया, तो जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था दैट इज राइबोसोम से आ जाता है क्वेश्चन, साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया से आ जाता है, तो बट इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की, विच आर प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स की बात करूं तो दे आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। यस बच्चे प्लास्टिड्स आपको याद रहेगा, प्लास्टिड प्लांट सेल, ठीक है। तो प्लास्टिड्स की बात करूं ये कहां मिलते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में, ये एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आता है विच सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, तो उसमें से एक होती है बच्चे प्लास्टिड्स, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है बट एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलती। These are usually spherical or discoid in shape. बच्चे spherical आपको पता होगा ऐसे sphere like होते हैं और disc like, ठीक है। इनकी shape कैसी होती है, या तो ये spherical होते हैं या फिर ये disc like होते हैं। तो these are usually spherical or discoid in shape and are डबल membrane bound organelles. बच्चे अगर मैं इसकी बात करूं तो plastids कैसे होते हैं, डबल membrane means इनकी दो boundaries होती है, they are double membrane bound structures. They have their own DNA and ribosomes. बच्चे इनका खुद का DNA और ribosomes होते हैं, ये भी बहुत important है, आपको पता होने चाहिए कि plastids की खुद की DNA और ribosomes होती हैं। तो बच्चे अभी तक हमें क्या पता चला, जो plastids से सिर्फ plant cell में मिलते हैं, second आपको पता चला इनकी जो shape है वो spherical होती है या फिर discoid होती है, then आपको पता चला plastids का खुद का DNA और ribosomes होते हैं। इट मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। देखो राइबोसोम का क्या काम था, प्रोटीन के सिंथेसिस का, मीन्स जिसके अंदर राइबोसोम सब अपने खुद के प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। सेकेंड थिंग इज डीएनए। बच्चे डीएनए आपको पता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसका क्या काम था, वो जेनेटिक मटीरियल को ट्रांसफर कर रहा था फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो प्लांट के अंदर भी आपको पता है जो पेरेंट प्लांट होगा उसके जैसा ही होता है जो उसका डॉटर प्लांट या उसका जो भी प्लांट नेक्स्ट उससे बनता है, नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट। तो इट मींस डीएनए से क्या होगा, जो प्लास्टिड्स इंफॉर्मेशन पेरेंट प्लांट में कैरी कर रहे हैं वही उनके जो डॉटर प्लांट्स में कैरी करेंगे। बच्चे डॉटर प्लांट इज टर्म यूज जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन प्लांट बनता है, ठीक है। अब प्लास्टिड्स की बात करूं तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। फर्स्ट आर क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट आप आगे भी चल के काफी बार पढ़ोगे इन क्लास 10 एज वेल एज इन हायर क्लासेस एज वेल। क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट बच्चे ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं। कौन से कलर के, ग्रीन कलर के, क्योंकि दे कंटेन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। बच्चे ग्रीन क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि देखो ऐसे ऐसी शेप के होते हैं, इनके अंदर कौन सी पिगमेंट होती है, क्लोरोफिल। अच्छा क्लोरोफिल आपने सुनी होगी कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, तो बच्चे वो क्लोरोफिल किसके अंदर होती है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, ठीक है। ग्रीन कलर कंटेन क्लोरोफिल, फूड सिंथेसिस बाय फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो ये क्या करते हैं, ये फूड की सिंथेसिस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल क्या करती है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करती है, ठीक है। तो इसलिए जो स्टार्टिंग है फोटोसिंथेसिस की वो किससे होती है, क्लोरोफिल से, ठीक है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा क्लोरोप्लास्ट का मतलब और उसके फंक्शन। नेक्स्ट टाइप इज क्रोमोप्लास्ट, बच्चे नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट। बच्चे क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमो मीन्स कलर, तो इट मीन्स क्रोमोप्लास्ट कौन से होंगे, कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर। क्रोमोप्लास्ट की बात करो तो उनका कलर क्या है, दे आर कलरफुल प्लास्टिड, चाहे वो रेड हो येलो हो, ठीक है। ये कलरफुल प्लास्टिड्स हैं, इसके अंदर काफी सारे कलर्स होंगे बट कौन सा कलर नहीं होगा, ग्रीन कलर के नहीं होंगे, ठीक है। इम्पार्ट कलर टू प्लांट्स फॉर पोलिनेशन। अब आपको पता है जो फ्लावर्स होते हैं वो बड़े सुंदर सुंदर कलरफुल होते हैं, सो दैट कि उनपे जो बीज हैं जो भी इंसेक्ट्स हैं उन पर आ सके फॉर पोलिनेशन। तो क्रोमोप्लास्ट की बात करूं तो ये कलर देते हैं प्लांट्स को, उनके फ्लावर्स को, फॉर द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। तो आपको क्रोमोप्लास्ट समझ आ गए होंगे बच्चे। थर्ड कैटेगरी इज ल्यूकोप्लास्ट।
ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं तो ये कौन से होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। साथ ही साथ बच्चे इनका फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च फैट एंड प्रोटीन्स। ये फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में और प्रोटीन्स की फॉर्म में। तो बच्चे ये हमने डिटेल में कर लिया प्लास्टिड्स को, साथ ही साथ हमने उसकी टाइप्स भी पढ़ ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की, विच इज कॉल्ड एज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की बात करूं तो लाइसोसोम्स आर स्मॉल स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। बच्चे उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो लाइसोसोम्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, सैक, सैक मीन्स बोरी जैसे होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल, साथ उनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स एनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन। बच्चे अगर मैं बात करूं लाइसोसोम्स की तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे एक स्फेरिकल बोरी होती है ना, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चे, डाइजेस्टिव एंजाइम मींस वो एंजाइम्स या फिर वो जूसेस जो किसी भी चीज को डाइजेस्ट करे, किसी भी चीज का ब्रेक डाउन करे, उन्हें बोला जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल मोस्टली इन एनिमल्स। लाइसोसोम्स की बात करो तो ये कहां मिलते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स में ही मिलते हैं, मोस्टली किसमें, इन एनिमल सेल। तो बच्चे आप उसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा लाइसोसोम्स का कैसा होता है, छोटा होता है, स्फेरिकल होता है, साथ ही साथ उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम। अब अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स की तो दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस एंड बोन आउट सेल ऑर्गेनेल्स। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, किसकी डाइजेशन में, सेल ऑर्गेनेल्स की और फॉरेन सब्सटेंसेस की। अब जैसे सपोज कीजिए आपके सेल के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, उसको कौन तोड़ेगा, उसको कौन डिस्ट्रॉय करेगा, लाइसोसोम्स, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फॉरेन सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं। साथ ही साथ जो सेल ऑर्गेनेल्स बच्चे टूट जाती है या फिर डैमेज हो जाती है उनके डाइजेशन में भी हेल्प करता है ये। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस एंड हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। बच्चे सेल के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस एंटर करता है तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, सेल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं बच्चे, उन फॉरेन पार्टिकल को, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। अब लाइसोसोम्स को इसी रीजन की वजह से बच्चे सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, क्योंकि काफी बार क्या होता है कुछ सेल ऑर्गेनेल्स या फिर जो सेल है अगर ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा, अगर वो डैमेज हो गई है सेल ऑर्गेनेल्स या फिर सेल की मेटाबॉलिज्म मींस या फिर सेल के जो फंक्शंस हैं अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोम्स जैसे बर्स्ट कर देते हैं। लाइसोसोम्स बर्स्ट कर गए तो बच्चे आपको पता है जितना भी उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सब सेल के अंदर चला जाएगा। अगर वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के अंदर चले गए इट मींस वो क्या करेगा, सारे के सारे सेल को डाइजेस्ट कर लेगा, जिस वजह से लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, तो आपको याद होना चाहिए सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, लाइसोसोम्स को, ठीक है। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है ये भी आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जब सेल मेटाबॉलिज्म में कोई दिक्कत आती है, सेल के फंक्शनिंग में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो क्या करेंगे लाइसोसोम्स, क्या करेंगे, सेल के अंदर बर्स्ट हो जाएंगे, सेल के अंदर फट जाएंगे, जिससे जितना भी उसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो बाहर निकल जाएगा, पूरा का पूरा सेल विद ऑल इट्स ऑर्गेनेल्स खत्म हो जाएगा। बच्चे ये भी होना बहुत जरूरी है सो दैट जो हमारे डैमेज सेल है या जो नॉन वर्किंग सेल है वो ना जगह ऑक्यूपाई करे, उसकी जगह फ्रेश सेल्स बन पाए, ठीक है बच्चे। तो लाइसोसोम्स के ये फंक्शन थे, साथ ही साथ हमने बात करी लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। बच्चे लाइसोसोम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ एनिमल सेल में मिलती है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया लाइसोसोम्स के बारे में और साथ ही साथ बच्चे हमने बात करी प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड्स हमने पढ़े थे, तीन टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। उससे पहले बच्चे हमने पढ़ा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स के बारे में, तो ये तीन ऑर्गेनेल्स हमने इस वीडियो में कवर कर ली। इसके बाद बच्चे पेंडिंग है वैक्यूल्स और पेरोक्सियोम्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ बच्चे हमारा एक कंपैरिजन होता है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल,
और जिसमें हम बताते हैं कि जो प्लांट सेल है उसमें कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, या एनिमल सेल है उसमें कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, एंड साथ ही साथ बच्चे डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, बच्चे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक जो हमने करा होप सो आपको समझ आ गया होगा। बच्चे अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, हम जैसे ही आपका डाउट रीड करेंगे हम उसी टाइम उसको रिप्लाई कर देंगे। एंड बच्चे अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, इट विल हेल्प अस टू ग्रो। तो बच्चे थैंक यू फॉर वॉचिंग।